गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.3, इसमें आपका डिटरमिनेंट्स है और क्लास 12 का है। सारणिक विधि भी कहते हैं, सारणिक के प्रॉब्लम है। इस विधि से आपको एरिया फाइंड करना है, कहीं पर आपको कॉलोनी अप्रूव करना है और फाइंड करना है के वैल्यू, जब आपका ये एरिया आपको 4 स्क्वायर दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला प्रॉब्लम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फाइंड द एरिया वाला, तो इसमें आप इस तरह से 101601 एंड 431 इस तरह से आप लिख लीजिए, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे 1/2 भी लगा दीजिए। ये किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फार्मूले के लिए 1/2 मीन्स 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31। यदि आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसके पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो उसका एरिया निकालने का ये फार्मूला है। इससे हम सॉल्व करेंगे 1/2, और जब आप सॉल्व होता है तो 1 लिखा आपने और ये वाला मल्टीप्लाई पहले किया जाएगा, तो 0 माइनस और यहाँ पर 3, फिर इसके बाद बीच वाला ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस। तो जब आप माइनस लिखेंगे तो यहाँ 0 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप लिख भी देते हैं इंटू का, तो आपका 6 × 1 6 और 4 × 1 4। फिर उसके बाद लास्ट में आपका 1 है, तो ये वाला नंबर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 और ये 0। इस तरह से ये 1/2, और यहाँ पर लास्ट में -3, ये तो 0 हो गया है आपका, पूरा सॉल्व करने के बाद भी ये 0 है, और यहाँ पर 18, तो 1/2 और 18 − 3 15। तो इस तरह से आपका आंसर 7.5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपका सॉल्यूशन सेकंड वाला है, जिसमें आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें आपको ये बताना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप इसे भी इसी पैटर्न से लिखेंगे, ट्राइंगल में 1/2 भी लगा सकते हैं और ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1 इस तरह लिखा आपने। और अब आप ये कॉलम को देखिए कि सी 1 में सी 2 को प्लस करते हैं और सी 1 में लिखते हैं। ऐसा करने से ए प्लस बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस प्लस बी, और जबकि ये बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी 1 1 1। अब इस तरह से आपके पास ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी प्लस सी जब कॉमन निकला पहले वाले कॉलम से, तो अब आपके पास ब्रैकेट में आपका जो डिटरमिनेंट साइन है उसमें 1 1 1 लिखेंगे, यहाँ बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी 1 1 1 ये। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी 1 इक्वल सी 3 है, इसलिए आपका ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से ये 0 लिख दिया जाएगा। ये प्रूव हो जाता है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं ट्राइंगल के, जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, वो उसका एरिया 0 हो रहा है, इसलिए तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, मीन्स कोलिनियर है। ये प्रूफ होता है। अब आपका सॉल्यूशन नंबर 3, जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करना है जबकि ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, और इसमें जब आप ट्राइंगल इक्वल 1/2 लिखेंगे तो हमारे पास के 0 1 4 0 1 0 2 1, और इस ट्राइंगल का एरिया आपको दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। अब इसे सॉल्व करना है, तो पहले आप
आप देख रहे हैं कि ये दो पार्ट में आपको यहाँ पर जीरो दिया गया है, इसलिए आप डायरेक्ट इस नंबर से सॉल्व करेंगे। और इस नंबर के लिए जब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और ये जो नंबर लिखा जाएगा तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से पैटर्न बना लेते हैं। तो ये आपका जब स्टार्ट करेंगे तो -2 लिखेंगे और -2 और आपके पास बचेगा K141, क्योंकि ये कॉलम छूट जाएगा और यहाँ पर है 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका यहाँ पर भी इनटू में है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब बचेगा केवल माइनस और सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर पहले आएगा K और यहाँ पर इस तरह क्रॉस करेंगे तो एक माइनस लगकर 4 और इक्वल में 4, तो K-4 या माइनस के हो जाएगा और यहाँ +4 = 4, -K = 4 -4, -K = यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है और 0 हो जाएगा और इस तरह से K की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। ये सॉल्व हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम का एक आखिरी क्वेश्चन, यदि आपको किसी प्रॉब्लम का इक्वेशन निकालने को कहा जाए, जबकि आपको क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने को कहा गया है, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट से आपका 1, 2, 3, 6 है ये, और यूजिंग करना है डिटरमिनेंट्स का। तो इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए आपका जो लाइन दी गई है उसमें 2 पॉइंट तो आपको 1, 2 और 3, 6 मान लो ये दिए गए हैं। अब 1 पॉइंट आपको एक्स वाई सपोज करना पड़ेगा जिससे आपको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। और ये लाइन एक ही, तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर है, इसलिए कोलिनियर है। और कोलिनियर की कंडीशन में आपको ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 0 होना चाहिए। तो इस तरह से 1, 2, 1, 3, 6, 1, x, y, 1 ये लिखा हमने। अब हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा आपने और इक्वल 0, यहाँ 1/2 था तो 1/2 इस तरह जाकर 0 हो गया है, इसलिए आप इस तरह लिख सकते हैं। और जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर ये वाला मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 - y, फिर -2 लिखा जाएगा तो आपका ये कॉलम छूट जाएगा, सेकंड कॉलम। और 3 × 1 से तो 3 - x × 1 से x, और फिर +1 जब लिखेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा जिसमें 3y - 6x इस तरह लिखा जाएगा और इक्वल में 0। तो 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6x = 0। अब 2x और -6x है तो -4x हो जाएगा, -y + 3y 2y हो जाएगा और 6 से -6 कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से 2 का डिवाइड करेंगे तो -2x + y = 0 और इस तरह से इक्वेशन बन गया 2x - y = 0। ये आपका इक्वेशन लाइन का प्राप्त जाता है। ठीक है, इस तरह से 4.3 एक्सरसाइज के सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसी डिटरमिनेंट्स के ही प्रॉब्लम लेकर चलेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू।